अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी ये नेक की लैस लेके आई हूँ। नेक पर लगाएं, फ्लावर लैस है ये, बहुत ही प्यारी लगती है। ये मैंने धागे से बनाई है और ये मैंने ऊन से बनाई है। तो आप जितना भी साइज़ इसको रखें, दो कलर्स में बनाना चाहते हैं, एक कलर में बनाना चाहते हैं या डिफरेंट कलर्स में बनाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर धागे से बनाना चाहते हैं तो ये धागे की लुक है, और अगर आप ऊन से बनाना चाहते हैं तो ये ऊन की लुक है। तो जैसे मर्जी आप बनाएं, इसको सीधा करके लगा सकते हैं। इसको देखें, गोल, बिल्कुल गोल गले में आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी बजा दीजिएगा। घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है, इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे, और 6 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब धागे को 1, 2, 3, 4 दफ़ा लपेटेंगे और यहाँ से निकालेंगे। फर्स्ट चेन में डाल के एक दफ़ा निकाला, फिर दूसरी दफ़ा में दो धागे निकालें, 2, 3, 4 और 5, आखिर में एक धागा छोड़ देना है, ठीक है। अब 3 दफ़ा लपेटेंगे, 1, 2, 3, इसी जगह पर डाल के एक दफ़ा निकाला, दो बार निकाला, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा, बाखर में एक धागा छोड़ देंगे। फिर से 3 दफ़ा लपेटेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे डाल के एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा, फिर से 3 दफ़ा लपेटेंगे, 1, 2 और 3। फिर से यही काम करेंगे, 1, 2, तीसरी दफ़ा निकाला और चौथी दफ़ा, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखें, पहले 6 चेन ली ये वाला इस ये धागे की, फिर ये 4 दफ़ा लपेटने के बाद, फिर बीच में 3 दफ़ा लपेटा, एक एक धागा छोड़ेंगे। अब दोबारा 4 दफ़ा लपेटेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 दफ़ा लपेट के फिर इसमें डाल के एक दफ़ा निकाला, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। अब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 दफ़ा लपेटना है, और फिर से इसी में डाल के एक दफ़ा निकाला, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा में दो धागे, सब में हाथ पहले हाथ बार में दो धागे करके निकालने हैं। पहली दफ़ा में एक धागा निकालते हैं। फिर निकाला, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा और ये छठी दफ़ा निकालिए। देखें क्या किया, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। पहले 6 चेन ली, ठीक है, फिर 4 दफ़ा लपेटा, फिर 3 दफ़ा, 3 दफ़ा लपेटा, फिर 4 दफ़ा और फिर 5 दफ़ा लपेटा। ये चीज़ हमारा वाली बन गई है। अब सबको एक साथ निकाल देंगे,
सबको एक साथ निकाल देंगे। ये चीज़ अभी देखिए मेरी कितनी लाइनें आए, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं इस तरीके से राउंड, मैंने ये फ्लावर बनाने ना, ये देखें इस तरीके से मैंने ये धागे से काम किया, मैंने ये धागे से बनाया, तो मैं आपको ऊन से बनाना बता रही हूँ। तो मैंने इसे फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने इसके राउंड्स में यहाँ पे गोल गोल काम करना है। तो सबसे पहले मैं 3 चेन लूँगी, 1, 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद इधर डबल क्रोशे, ये देखें फिर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 डबल क्रोशे मैंने की। इसी तरीके से अब मैं इसके लिए देखें बीच वालों को छोड़ के, यहाँ पे देखें बीच वालों को छोड़ के मैं इसके कॉर्नर्स पे, दोनों कॉर्नर्स पे काम करूँगी। इधर 13 डबल क्रोशे किए हैं, अब ये दूसरी साइड पे बीच वालों को छोड़ के यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे भी 13 डबल क्रोशे करेंगे, 1, 2। इसी तरीके से मैं सारे 13 डबल क्रोशे करके बताती हूँ। बीच वाले में अभी काम नहीं करें, हमने पहले साइडों में, दोनों साइडों पे 13-13 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे मैंने 13 डबल क्रोशे किए, फिर इस साइड पे 13 डबल क्रोशे किए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें बीच में 1, 2, 3, 4, 5 बीच में 5 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे इस वाले में काम करेंगे, इधर डबल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 डबल क्रोशे मैंने इसमें किए, सेम एज इट इज़। ये देखें अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा इसके लास्ट में, ये आपको ये चेन नज़र आ रही है, ठीक है। देखें ये आपको ये चेन नज़र आ रही है, यहाँ पे भी डबल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3
फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एंड इलेवन। सेम एज इट इज़ 11 डबल क्रोशे मैंने दूसरी साइड पे किया। ये देखें, अब यहाँ पर बीच में आपको ये तीन चेन्स नज़र आ रही हैं। अब इस जगह पे काम करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। नाइन डबल क्रोशे किए। अब यहाँ पे देखें ये जगह ये नज़र आ रही है, इधर भी नाइन डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे भी नाइन डबल क्रोशे करेंगे, वन, सेम एज इट इज़ इधर भी नाइन डबल क्रोशे करेंगे। नाइन डबल क्रोशे करने के बाद अब मेरे पास लास्ट, देखिए लास्ट चेन रह गई है, इधर भी मैं नाइन डबल क्रोशे करूँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। नाउ लुक एट दिस, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी देखें बैक साइड है। अब यहाँ पे चेन लेंगे, जिस तरीके से हम सिंगल क्रोशे करते हैं ना, फ्रंट आगे हम आगे काम करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमने अब चेन लेने के बाद टर्न नहीं करेंगे, ठीक है, उसी साइड पे रख के ये देखिए आपको ये चेन नज़र आ रही है, यहाँ पे बैक पे सिंगल क्रोशे करेंगे, हर एक में बैक पे देखें। नेक्स्ट आपको ये चेन नज़र आ रही है, इस पे डालेंगे, इस पे, और आप बैक पे सिंगल क्रोशे करेंगे, हर चेन पे आप डालने के बाद बैक पे सिंगल क्रोशे करेंगे तो आपकी फ्लावर की शेप बनती जाएगी। देखें अब ये देखें नेक्स्ट चेन में आपको ये चेन नज़र आ रही है, इसमें डालेंगे, इस चेन में डालेंगे, ऐसे एक बार निकाला और सिंगल क्रोशे कर देंगे, ठीक है। अब हर एक में सब में यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपको ये चेन नज़र आ रही है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब अगली चेन आपको ये नज़र आ रही है, इधर से सब में एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है, बहुत ही प्यारी सी लैस, गले की लैस हमारी बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको एज आ नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कपड़ों पे लगा के आप
गले के लिए भी बना सकते हैं हम। देखें हर एक में बैग पर डाल के, आप चाहें तो इसको धागे से बना लें, चाहें तो इसको ऊन से बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ये देखें बैग पर डाल के सब में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, लेकिन बैग पर डालेंगे, टर्न नहीं करेंगे हम अपने काम को। देखें इसमें डालेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशे करके, मैं सब में एक एक बैग सिंगल क्रोशे करके आपको दिखाती हूँ। देखें ये कितनी प्यारी ये शेप बनती जा रही है सब में। ये देखें लास्ट पे मैं पहुँच गई हूँ, एक एक सिंगल क्रोशिया लेकिन बैक पे सिंगल क्रोशिया। देखें ये लास्ट चेन, अब दो चेन लेंगे, एक दो। देखें नेक्स्ट फ्लावर हमने किस तरीके से बनाना है। एक फ्लावर ये मेरा रेडी हो गया, ये देखें ये मैंने धागे से बनाया है और ये मैंने ऊन से बनाया है, तो आपको साइज़ पता चल रहा होगा कि कितना साइज़ आपका धागे से कितना छोटा साइज़ है और ऊन से कितना बड़ा साइज़ बनता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऊन से बनाएं या धागे से बनाएं। देखें दो चेन लेने के बाद यहाँ पर ये दो धागों को उठाएंगे, ये देखें, और डबल क्रोशे के लिए जिस तरीके से लपेटते हैं, और डबल क्रोशे पूरा नहीं करना, आखिर में एक धागा छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से लपेटेंगे और इसी जगह पे दोबारा यही काम करेंगे, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखें तीन धागे बन गए, एक दो तीन, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट हमने फ्लावर बनाने के लिए हमें ये चीज़ बनानी है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 चेन लेने के बाद 1 2 3 4, 4 टाइम्स रैप करेंगे, 4 दफ़ा लपेटेंगे, और ये जो पहली चेन आपको नज़र आ रही है इधर डाल के, देखें पहली चेन नज़र आ रही है इधर डाल के, पहली दफ़ा में एक धागा, दूसरी दफ़ा में दो, तीन, चार और पांच दफ़ा निकालना, आखिर में एक धागा छोड़ देना। अब तीन दफ़ा लपेटेंगे, एक दो और तीन, फिर इसी जगह पर डालेंगे, एक दो तीन चार, फिर तीन दफ़ा लपेटेंगे इसी जगह पर डाल के, एक दो तीन चार, फिर से तीन दफा लपेटेंगे और यहीं पे डाल के, एक दो तीन चार। ठीक हो गया, देखें चेन लेने के बाद 4 दफ़ा लपेटा, बीच में तीन तीन दफ़ा लपेटेंगे, एक दो तीन, इन तीन चेन्स को तीन तीन दफ़ा लपेट के करेंगे। अब दोबारा 4 दफ़ा लपेटेंगे, एक दो तीन चार, 4 दफ़ा लपेटने के बाद आखिर में बस एक धागा छोड़ना है, दो तीन चार और पाँच। ठीक हो गया, कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा लपेटा। अब देखें एक दो तीन चार पाँच दफ़ा लपेटेंगे, इसी में डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, 7 चेन लेंगे हम, यहाँ पे दी थी हमने, फिर हमने 4 दफ़ा लपेटा,
बीच में तीन दफ़ा लपेटा, 1 2 3, फिर 4 दफ़ा लपेटा और फिर उसके बाद 5 दफ़ा लपेटा। ठीक है, ये हमारे पास कितने धागे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। इन 7ों को एक साथ निकाल लेंगे, थोड़ा सा ढीला करेंगे ताकि आपका इजीली निकल जाए। ये देखें, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। किनारों वालों में लेकिन जो दो किनारों वाले हैं इनमें 13 डबल क्रोशे करेंगे, फिर उसके बाद ये राउंड में हम काम करेंगे ना ताकि हमारा फ्लावर बन जाए सेम एज इट इज़। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया था वह यहाँ पे भी इसी तरीके से काम करेंगे। फिर ये तो दो चेन हैं, इनमें मैं 11 डबल क्रोशे करूँगी और फिर बीच वाले जो 3 बचते हैं उनमें 9 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये फ्लावर बनाऊँगी और इसी तरीके से आप अपने काम को कंप्लीट करेंगे। आप इसको नेक पे बनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है नेक पे ये आपका फ्लावर डिज़ाइन। आपने लैस अपने दामन पे भी लगा सकते हैं, इसको धागे से भी बना सकते हैं। देखें, ये धागे से बनाया है। धागे पे ये है कि मेहनत ज़्यादा होती है, नज़र भी इतना सही नहीं आता, तो ऊन से ज़रा ज़्यादा मेहनत कम होती है और ज़्यादा मेंशन होता है, क्लियरली आपको नज़र आता है। तो ये मैं कंप्लीट करके सारी लैस कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे फ्लावर्स बनते जा रहे हैं और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप अपने गले पे बना के लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कलर्स में बना रही हूँ, इसलिए मैंने दूसरा कलर ज्वाइन किया है। तो आप एक ही कलर में बनाएं चाहे 2 कलर में बनाएं। ये मैंने ऊन से बनाया है और ये मैंने धागे से बनाया है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिससे मर्ज़ी बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी तो जरूर दबाइएगा। घंटी दबाने से मेरी सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।